हाय फ्रेंड्स, गौतम टेक्नोलॉजी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईटीआई के इतने स्कोप आज के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे ऐसे तरीके के उसमें कोर्सेस होते हैं जो कि उसके माध्यम से अगर स्टूडेंट तरह तरह के ट्रेड के माध्यम से अगर एडमिशन लेकर नॉलेज एकत्रित कर लेते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें यूजबल हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल हैंड आज के टाइम में इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास, किसी भी पब्लिक के पास एक टेक्निकल हैंड नॉलेज है तो वो आज एक यूजफुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमें कहीं भी रहे तो हमारे हैंड में, यानी कि हमारे हाथों में एक टेक्निकल हैंड नॉलेज हो तो हमें कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ जाती है और उसके माध्यम से हम कार्य कर लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज के सेशन में। जैसे मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्रू ड्राइवर के पार्ट्स के नेम बताए थे, मतलब स्क्रू ड्राइवर पार्ट्स में कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और उसके इंफॉर्मेशन बताया था। तो आज मैं उसी के टॉपिक से रिलेटेड मैं आज स्क्रू ड्राइवर के प्रकार बताने वाला हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि स्क्रू ड्राइवर हो या कोई भी वस्तु हो, उसके अगर पार्ट्स के नेम होते हैं तो उसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हमें मालूम हो जाती है या हमें नॉलेज हो जाती है तो उसे हम वर्क आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के सेशन में। यही है हमारा क्या है, पार्ट इस टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर। देखिए आज का सेशन हमारा है टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर, मतलब स्क्रू ड्राइवर के प्रकार। आप सभी एक सिंगल स्क्रू यूज करते होंगे, जैसे हम माइनस यानी कि स्लॉटेड स्क्रू इस्तेमाल करते हैं और प्लस स्क्रू इस्तेमाल करते हैं और भी बाकी सारे स्क्रू टाइप हैं जो कि हमें अधिक जगहों पर उसकी यूज नहीं होती, इसके लिए उसके बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन अगर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हो तो आप सभी को बहुत ही बेटर होगा। चलिए आज मैं उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे और कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे उसके कार्य करते हैं। तो देखिए, पहले मेरा जो स्क्रू ड्राइवर के जो पार्ट टाइप है, पहला वो क्या है, स्लॉटेड टाइप, यानी कि आप माइनस टाइप के स्क्रू ड्राइवर देखे ही होंगे और मैं स्क्रू ड्राइवर जो माइनस स्लॉटेड टाइप का स्क्रू ड्राइवर में उसी के बारे में प्रैक्टिकली आपको दिखाकर इंफॉर्मेशन दिया था। तो अभी मेरा जो पहला है, फर्स्ट जो प्रकार है वो क्या है, स्लॉटेड। स्लॉटेड यानी कि माइनस की तरह रहता है। अभी जब जिस तरह का माइनस का स्लॉटेड टाइप का प्रकार है तो इसके टाइप का स्क्रू भी आता है, मतलब अगर इसके टाइप के स्क्रू में अगर हम इसके यूज करते हैं तो आसानी से हमें उसे खोलने में मदद मिलती है, यानी इजीली तरीके से उसके हम वर्क कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है यानी कि दूसरा जो इसका प्रकार है वो है लिप्स। लिप्स किसको बोलते हैं, वो जो लिप्स टाइप का जो स्क्रूड्राइवर है उस वो कौन से तरीके का होता है, प्लस टाइप का। देखिए मैं अपने एक पिक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ, पूरे जितने भी टाइप है वो साइज है यहाँ पे फिगर बना लिया हूँ और मैं इस सबके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जैसे आप देखिए फ्लिप्स है, तो फ्लिप्स एक प्लस टाइप के मार्किंग जैसा उसमें स्लॉटेड बनाए रहते हैं, उस टाइप की हम उसके माध्यम से स्क्रू ओपन कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप कौन से हैं, थ्री वे मतलब एक एंगल जैसा, मतलब किसी भी टाइप में थ्री स्लॉटेड रहते हैं, उसमें थ्री टाइप के स्लॉटेड रहते हैं, थ्री टाइप के स्क्रू बने रहते हैं। तो हम इस टाइप के स्क्रू से
इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर से मतलब थ्री स्लॉटेड के स्क्रू ओपन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अभी हमारा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा एलएन सिक्लोट्री। एलएन सिक्लोट्री मतलब सिक्स हेक्सागन वाला हमारा क्या होता है, सिक्स एंगल वाला, यानी एक बॉक्स बनाते हैं उसमें सिक्स एंगल बनाए रहते हैं, उसे बोलते हैं एलएन सिक्लोट्री। एलएन सिक्लोट्री मतलब जिसमें मैं आपको काउंट करके इसके एंगल बात की, मैं काउंट करके बता देता हूँ इसमें कितने एंगल होते हैं। हेक्सागन बोलते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसमें 6 एंगल बने हुए हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि मैथ में ही बहुत सारे टॉपिक आते हैं, हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, ऐसे होते हैं ट्रायंगल, फिर हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत टाइप के मतलब एंगल बने होते हैं। ये अलग अलग जैसे हमारे बॉक्स बने रहते हैं उसके अलग अलग नेम दिए रहते हैं, वैसे हमारा जो है इसमें अगर मैथ के टॉपिक में चले जाए तो इसको हेक्सागोनल बोलेंगे, और स्क्रू ड्राइवर के हम टाइप में है इसको क्या बोलेंगे, एलएन सिक्लोट्री स्क्रू ड्राइवर। मतलब हम सिक्स हेक्सागोन वाले जहां तक कौन होते हैं उस स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से ओपन कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के की ओर। हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा है, टोर्स। टोर्स यानी कि एक स्टार जैसा बना हुआ रहता है और उसके बीच में भी कुछ स्पेस रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, टोर्स सिक्लोट्री मतलब इसमें स्टार टाइप के उसमें स्लॉटेड दिए गए रहते हैं, तो उस स्लॉटेड के माध्यम से वो भी इसको इजीली तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारा कौन सा सिक्स टाइप है, कौन सा, स्क्वायर ड्राइव। स्क्वायर ड्राइव स्क्रू ड्राइवर मींस क्या होता है कि ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो आप सभी को मैं बताया कि जैसे तरह तरह के स्क्रू और एंगल आप सभी पढ़े हैं, वैसे मैं आपको एक पिक्चर भी ड्रॉ करके बता दिया यहाँ पे, ये फोर एंगल वाले को स्क्वायर बोलते हैं, वैसे ही अभी हमारे टाइप में भी एक फोर एंगल वाले यानी फोर एंगल वाले बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ड्राइव यानी कि स्क्वायर ड्राइव स्क्रू ड्राइवर। मतलब इसके माध्यम से मतलब इसके टाइप हैं, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के स्क्रू आते हैं, तो इस स्क्रू से भी हम इस तरह टाइप के स्क्रू को भी हम इसके माध्यम से ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट कौन सा है, सेवन टाइप कौन से हैं, ये है पॉजिट ड्राइव स्क्रू ड्राइवर। इसमें देखें चारों तरफ से क्या है, इसमें ओपन है, सिर्फ इसमें क्या बनाया हुआ है, एंगल बनाया हुआ है, इसमें जो इसका जो है इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब ये जो स्लॉटेड होते हैं, ये जो स्लॉटेड होते हैं ये पूरे फिलअप होते हैं, यानी कि इसमें भरे रहते हैं, सिर्फ एक खाचे ये जो लाइनिंग दिख रही है इतने ही स्लॉटेड रहते हैं, इतने ही स्लॉटेड बनाए रहते हैं, तो इस स्लॉटेड के माध्यम से हम इस टाइप के स्क्रू को भी ओपन कर लेते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है कौन सा, एलएन यानी कि एलएन, वो अभी ये आपको बताया मैं आउटसाइड वाला, और ये जो स्क्रू ड्राइवर है जो अंदर से फिलअप है ये है इन साइड के एलएन। एलएन में टू टाइप, अभी टू टाइप बता रहा हूँ, नेक्स्ट में और एलएन के दो तीन टाइप उसको भी मैं बता देता हूँ। एक एलएन में टू टाइप कौन से, एक ओपन साइड, एक इन साइड और एक आउटसाइड, मतलब एक एलएन में बाहर साइड से भी हम खोलते हैं और एक अंदर साइड में, मतलब इन साइड और आउटसाइड एलएन टू टाइप। और एलएन में हम दूसरा देखते हैं कौन से टाइप आते हैं, और स्क्रू ड्राइवर के हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन से हैं, ये है हमारा टोरेक्स। टोरेक्स में जैसे मैं आपको बताया कि टाइप की आपको जैसे मैं एलएन के टू टाइप बताया, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, ऐसे ही टोरेक्स में भी हमारा क्या है, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड।
एक हमारा है क्लोज, क्लोज यानी ये भी एक एंगल का प्रकार है, ये भी एक एंगल का भाग है। इस टाइप के भी हम स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल रहता है। इस टाइप के स्क्रू को भी स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से हम स्क्रू ऊपर कर लेते हैं इसी तरीके से। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टाइप कौन से है हमारे, स्पाइनर। स्पाइनर यानी कि ये एकदम इजी, मतलब इसमें क्या रहते हैं, सिर्फ दो पॉइंट दिए रहते हैं, दो पॉइंट यानी कि दो उसमें होल दिए रहते हैं। उसमें जैसे हम एक चार्जिंग चार्जर पिन लगाते हैं उसी टाइप के ये स्क्रू बनाए रहते हैं, मतलब उसके अंदर हम स्क्रू को डालकर हम उसमें ओपन कर लेते हैं इजी तरीके से। दो सॉकेट वाले, दो बिंदु वाले यानी कि दो लाइंस वाले हम स्क्रू ड्राइवर को बोलते हैं स्पाइनर स्क्रू ड्राइवर। अभी हमारा जो है स्क्रेडर, स्क्रेडर एक है स्क्रेडर स्क्रू ड्राइवर। इसमें भी क्या है, दो पार्ट्स बनाए गए हैं, दो पार्ट्स यानी कि इस टाइप के हम इस मिडल वाले भाग में पूरे फिलअप करते हैं, मतलब पूरे मटेरियल रहता है और इसके टाइप से भी हम ऊपर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में आपको मैं बताया कि स्क्रू ड्राइवर के टाइप, मतलब स्क्रू ड्राइवर कितने टाइप होते हैं, काउंट करके मैं आप सभी को बता देता हूँ स्क्रू ड्राइवर कितने प्रकार हैं। एक हो गया हमारा स्लॉटेड फर्स्ट, दूसरा फिलिप और तीसरा ट्राइगेन और चौथा एलएनट्री और हमारा पांचवा है कौन सा देखिए यहाँ पे टॉरेक्स सिमेट्री और चौथा स्क्वायर ड्राइव और पांचवा है हमारा पॉजिटिव ड्राइव और छठा है मेरा एट है मेरा एलएन और नाइन हमारा कौन सा है टॉरेक्स और टेन है मेरा क्लोज और हमारा इलेवन जो है स्पाइनर और ट्वेल्व जो है स्क्रेडर। अभी ये हमारे स्क्रू ड्राइवर के ट्वेल्व टाइप है, कितने टाइप है ट्वेल्व। तो आप सभी इसके अधिक से अधिक सिर्फ टू टाइप स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, कौन कौन से, एक स्लॉटेड और एक फ्लिप्स यानी कि एक प्लस और एक माइनस के, टू टाइप्स के अधिक से अधिक यूज करते हैं। अगर जो स्टूडेंट यानी कि जो टेक्निकल हैंड वर्क करते हैं यानी कि जो कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी टाइप के स्मार्टफोन को अगर हम रिपेयर करते हैं तो उन सब रिपेयर करने के लिए हमें ये सारे स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल हमारे पास रहता है। तो हम इजीली तरीके से अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप को हम इन स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम उसमें वर्क कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है, इसमें स्मार्टफोन और कंप्यूटर और लैपटॉप में ये सारे स्क्रू ड्राइवर उसमें अवेलेबल मिलते हैं। तो अगर हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर ना हो तो हम अपने टेक्निकल वर्क को यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये सारे उसमें स्क्रू अवेलेबल रहते हैं। तो अगर जब हमारे पास ये सारे स्क्रू ड्राइवर रहते हैं तो हम इसी तरीके से वर्क कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज का मैं सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। इतनी सी टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर के इंफॉर्मेशन।